पुरानी कथा है जिसके अनुसार ये बताया जाता है कि भाई बहन जो थे दो,
उन लोग में भाई को यह विश्वास था कि मेरी बहन बहुत समझदार है, एक बार मरने से पहले मैं बहन से मिलने जाऊंगा। पत्नी तो आइडिया लगाई थी मतलब मारने के लिए उसको, बहन को जब जाकर बताए भाई, तो बहन आई और भाभी को सबक सिखाई और भाई का जान बचाई। भैया दूज मनाते हैं, खुशी हो रही है और यह दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है और हम लोग ने भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान कृष्ण से दुआ करते हैं। यशोदा कुमारी, भाई की कामना के लिए और वही प्रसाद अपने भाई को खिलाते हैं हम लोग और दुआ करते हैं मेरे भाई को लंबी उम्र हो और घर पर पकवान बनाते हैं वो भी खिलाते हैं भाई को। हम लोग 10 दिन पहले ये जैसे कि सतयुग से ही होते आ रहा है ना कि एक सर्फ था उस भाई बहन में कंपटीशन हो गया कि तुम एक कथा हम सुना रहे हैं अगर समझ जाओगी तो हम आपको गिफ्ट देंगे आ नहीं तो भक्सी जोखवा देंगे। तो बोला भाई कि ठीक है हम नहीं बुझ रहे हैं, उसकी पत्नी बोली कि बुझल मेरा बुझ जाओ, तो नहीं बुझा तो अपने भाई बहन के घर गया। अब बोला कि बहन देखो मतलब बहन अपनी सोच बूझ से, हाँ अपना नाम बता दीजिए। सविता है, इसलिए पूजा पाठ करते हैं कि सारा सुहागन अच्छा से रहें और पूजा पाठ करते रहें छठ पूजा के जैसे शुभकामनाएं। पर्व का आप लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग को भाई का त्यौहार है इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे भाई जुग जुग जिए, बहुत लंबी उम्र हो उनकी, इसीलिए सब बहनें अपने भाई को दुआ करती। माधुरी देवी, नए बाजार सिवान। बहुत अच्छा ही त्यौहार है, ये सब भाई के लिए होता है और सब बहनें सब पूजा करती हैं भाई के लिए, बड़ी उम्र के लिए मनोकामना करती हैं। इस पर्व को आप लोग कैसे मनाती हैं और क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ऐसे गाय के गोबर से बनाते हैं पूरा अच्छा से और इसको अच्छा से अथी करते हैं, फिर सुबह में इसको कूटते हैं। रंजीता देवी। अरे भाई दूज के लिए मनाया जाता है, भाई के लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है भैया दूज, ये मतलब हम लोग के लिए बहुत खुशी का पर्व है और हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको। भैया दूज का महत्व यही है कि भाई के लंबी उम्र के लिए हम लोग कामनाएं करते हैं कि भाई का लंबी उम्र हो। हेमलता मिश्रा। भैया दूज हम लोग भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज मनाते हैं। कितने दिन पहले सब लोग तैयारियां इसकी करते हैं? हम लोग दिवाली के अगले दिन इसको बनाते हैं और फिर अगले दिन उसकी कुटाई करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा मनीषा मधु। ए सिखा थोड़ा दो। गजानन अनुभूत गणादि सेवितम कपित जंबो फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पद पाद पंकजम। ये जो व्रत हैं माताओं बहनों का व्रत है, ये जो गोधन बाबा हैं जो हर्ष उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है, यहाँ पर महिलाएं अपना बनाती हैं पूजा पाठ करती हैं और जो है ये पूजन के बाद ही लगन का प्रारंभ होता है। माताएं कहती है कि उठो ये देव उठाओ, देव की उठान हो जाता है, देव उठ जाते हैं, उसके बाद से शादी लगने चालू हो जाती है। इसका महत्व यह है कि ऐसे एक पुरुष थे कि किसी को समझते नहीं थे, वो धुंधार थे और अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे, किसी बेटी बहन को नहीं समझते थे। ये जो थे किसी को अपने पास बुला लेते, जिसको चाहे उसको बुलवा लेते थे, तो औरतें ने राय की इनको बुलवाया जाए, आप बुलवा कर और बिना बिछाए खाट बिछा दी, वो बैठे और वो गढ़ा में गिर गए, उसके बाद से उनको कुटाई शुरू कर दी। जब कुट दिया तो कहती है कि अब उठा उठा ये देवा उठाऊ हो तोरा के लाखों प्रणाम, और उसके बाद से लगन इसकी पर इसकी बरसी इसका परंपरा यही रहा आज बरसों से कई बरसों से। यह तैयारी की जाती है दिवाली के दिन से ही, दिवाली के दिन से माताएं आती हैं अपना जगह देखना शुरू कर देती हैं। पंडित जी पूछते पंडित जी इसमें गोधन कहाँ बनेगा, हमके बेटा इधर बना लो, और सब माताएं मिलकर लड़कियां बनाती है और हर्षोल्लास के साथ ये व्रत मनाती है। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर? ये पूरा टाउन का लोग है, नया बाजार ये मंदिर है, नया बाजार भावनाथ मंदिर, नया बाजार सीमान, ये नया बाजार के लोग ही इसमें आते हैं। जो बट्टा मोड़ तक नया बाजार जो है गलापट्टी तक नया बाजार होता है, यह जयप्रकाश चौक तक।
भावनाथ मंदिर नया बाजार भावनाथ मंदिर पुजारी श्री सुमन पाठक जी।